वेलकम बैक। हम शहर कराची से आपके लिए शो कर रहे हैं शहर कराची के हवाले से, जहाँ पे ये टेलीविज़न के अंदर थोड़ा सा मशहूर है कि अगर शो के लिए कोई मौजू ना मिले तो किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पे चले जाएं आप, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारी वो बातें करेंगे, आप एक बहुत ही एक स्पेक्टेक्युलर सा आपको रंज व गुस्से का मुजाहरा मिलेगा, 45 मिनट कवर हो जाएंगे। शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ हैं आज मौजूद, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस सर। ब्रेक से पहले मैंने एक बात की थी जिसको जो आपको शायद बुरी लगी, पॉलिटिकल बुरी नहीं लगी मुझे, मगर जो आपने जो जिस तरह की बात कही कि पार्टीज़ जो हैं वो लासानी बुनियादों के ऊपर जो है वो इस तरह की सिचुएशन शायद वो चाहते हैं कि ये अगर चाहते ये, नहीं ये तो उनके मफाद में ये डिवीजन रहे और उस डिवीजन से इसमें हो सकता है कि उनको एक वोट बैंक का या उनको एक फ़ायदा होगा। मैं नहीं समझता हूं कि ये बात अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी एटलीस्ट जो सिंध में हैं और जो कराची में जो मेन जिनका स्टेक है, ये सारी पार्टीज़ जो हैं इन्होंने अपने आप को नेशनल लेवल पर डिक्लेयर किया हुआ है। पीपल्स पार्टी हो या MQM हो या AMP हो, ये नेशनल लेवल पर ये पार्टी है। एक सेकंड मैं पॉज करूँ, एक सेकंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ कहना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी एक फेडरल लेवल की जमात थी जी, लेकिन वो सिंध कार्ड खेल खेल के और फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की उस स्टेटमेंट के बाद और उनको सख्ती से तंबीह करने के बाद जी वो फिर रह गई एक नॉन फेडरल लेवल जमात। जवाब आया MQM की तरफ से उसी तरह का रंज व गम व गुस्सा और जहर, और रहा क्या कि दो लसानी तकसीम हो गई, दो लसानी बुनियादों पे तकसीम हो गई, लोग माफ़ नहीं करते सर। एक एक हाथ से बना हुआ वीडियो में मैं माफ़ नहीं करूंगा या अल्ताफ हुसैन साहब की बात को हर सिंध के अंदर रूरल सिंध में रहने वाला आदमी नहीं माफ करेगा। देखें जहाँ तक नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, अब जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो लीडर्स हैं टाइम्स जब बात कर जाते हैं, और मेरे ख्याल में उन जो जिन लीडर्स ने ये बात अगर कही है तो उन्होंने उसके बाद उसकी माजरत भी की है। तो बात यहाँ पर यह है कि जो अगर पार्टी बेस की बात आप करेंगे, और माजरत भी इसलिए आती है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जब उन्होंने एक जो कहना था वो कह दिया, माफी मांग लो। नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर जो है अगर आपने रोल प्ले, और यही होना चाहिए अब कि एथनिक लेवल के ऊपर या मतलब प्रोवेंशल लेवल के ऊपर, मेरे ख्याल में उनसे निकल के हमें इन जमातों को जो है नेशनल लेवल के ऊपर होना होगा। तो यही चाहिए, मैं कह रहा हूँ हो क्या रहा है अब हो क्या रहा है, या इसमें इस कशीदगी में या इस टेंशन में अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, जाहिर है ये भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये भी अपने टाइम्स अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते, ये भी वही लोग हैं जिनके वर्कर्स अगर टारगेट होते हैं तो वो प्रोटेस्ट में वो किसी न किसी शक्ल में रिएक्शन सामने ज़रूर आता है, और ये लीडर्स हैं जाहिर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर उनका रद्दअमल या उनकी कोई स्टेटमेंट उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, मगर जहाँ तक पार्टीज़ की बात है, मैं नहीं समझता हूँ ये इस तरह का कत्ल वारत जो है वो किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट में वो जाता है। जहाँ तक जी सॉरी मैं आपकी बात बार बार काट रहा हूँ, अगर चलें कराची एज अ होल के ऊपर हम अगली सेगमेंट में बात करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक इकोनॉमी रिलेटेड की बात कर लेते हैं। ताजिर जो हैं दुनिया भर में, ताजिरों के अंदर जो मजदूर काम करते हैं वो यूनियन बना के अपने ताजिर जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनके खिलाफ हड़ताल करते हैं कि जी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे हालात बेहतर करें। पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची में ताजिर मिलकर हड़ताल करते हैं रियासत के खिलाफ कि हमारी हमें छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें। इन ताजिरों के हालात बेहतर करने के लिए सर बस उसी महदूद हिस्से में कि जी कम से कम तजारत चले, अगर आप वो हैंडल कर सकते हैं एज एक्स चीफ CPLC सिटीजन पुलिस लियाज़ॉन कमेटी। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जिसमें अगर आप ताजर बरादरी से बात के हवाले से बात करें तो उसमें सबसे अहम उनका जो इशू है वो बत्ताखोरों का जो एक मेजर इशू जो है जिसमें उनको पर्चियां भी आ रही हैं, उनको फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, जो भी है वो उसकी तादाद डेफिनेटली बढ़ गई है। अब उसमें जो जो जहाँ तक पुलिस का काम है, ये हमने जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज में बात कर रहा हूँ कि इसमें हमने जो है वो सेल जो हैं स्पेशल जो इनके लिए कंप्लेन सेल जो हैं इनके चैम्बर में भी बने हुए हैं, फेडरेशन में भी बना हुआ है, होम डिपार्टमेंट में मिर्ज़ा साहब के ज़माने में बना और अब हम उसको हम कंटिन्यू करें, वसान साहब डेफिनेटली उसको देख रहे हैं और बड़ा क्लोजली कि होम मिनिस्टर कंप्लेन सेल बनाया हुआ है, उसमें हम कंप्लेंस ले रहे हैं, पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंस ले रहे हैं, और ये जो बत्ताखोरों के खिलाफ और एक्सटॉशन और किडनैपिंग और हर किस्म की कंप्लेंस जो है वो हम रिसीव भी कर रहे हैं और उसमें हम अटेंड भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक गवर्नमेंट किस तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं, तो वी आर ट्राइंग टू वर्क वेरी क्लोजली विद द बिजनेस कम्युनिटी। आई ऑल्सो बिलोंग टू द बिजनेस कम्युनिटी एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस कि बिजनेस इज द जो मतलब अगर यहाँ की इकॉनमी बेटर होगी तो वो पूरा उसका इफेक्ट जो है ओवरऑल इफेक्ट पूरे मुल्क में होगा। तो वहाँ पर जो ताजिर बरादरी खास तौर पर जो अफेक्टेड है वी अंडरस्टैंड, और कराची का जो अगर आप वो देखेंगे पूरी वो आपसे रोडे नहीं मांग रहे, नहीं वो आपसे सस्ता पेट्रोल नहीं मांग रहे, वो आपसे बिजली नहीं मांग रहे। मैं आपको बताऊं सर, वो तो हमारे जान का तहफ्फुज़ नहीं, वो तो आगे यहाँ तक आने के लिए भी तैयार हैं, और बहुत सारे ताजिर बरादरी आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि उन्होंने मोटरसाइकिलें भी दी हुई हैं पुलिस वालों को, गाड़ियां भी दी हुई हैं, और वो उन्होंने कम्युनिटी अलाउंसेस भी देते हैं, अलाउंसेस भी देने के लिए तैयार हैं। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी नफरी जो ग्राउंड पर मौजूद है वो हम हमेशा बात करते हैं उसको फौरी तौर पर 10,000 की नफरी है जो कि इंडक्ट हुई है, जिसकी ट्रेनिंग होकर वो हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, मगर इसके साथ साथ हमने एक बुनियादी चीज़ें जो हैं जो कि पहली गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था कि कमांड एंड कंट्रोल का, देखिए अब ये जो राइड्स हुए थे लंदन के अंदर, आपको पता है इसमें हज़ार से ज़्यादा उन्होंने लोग पकड़ लिए अभी तक जो राइड्स हुए, जिसमें नुकसान भी हुआ, प्रॉपर्टीज़ को भी डैमेज हुआ, जानी नुकसान भी हुए, मगर यहाँ पर हमने जो है अपनी कोशिशों से इंफॉर्मेशन हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग के ऊपर 100 के करीब हमने अरेस्ट किए होंगे, ये हमारी अपने एफर्ट है। सारे सियासी कारकुनों ने पकड़े हैं कैसे? सर सुन तो ले मेरी बात, अब ये है कि आपने वहाँ पर जो राइड्स हुए उसमें हज़ार से ज़्यादा लोग आपने अरेस्ट किए, कैसे अरेस्ट किए? इसलिए कि वो कैमरा नेटवर्किंग और वहाँ पर जो कमांड एंड कंट्रोल उनका है, एक एक स्ट्रीट, एक एक कोना उनका जो है, शरफुद्दीन साहब यहाँ पे कैमरा लगता है, पुलिस वाले कहते हैं हमें नहीं इस्तेमाल करना, नजर आ जाएंगे पैसे लेते हुए, वीडियोस बनते हैं जूम इन होके कि जी पैसे ट्रेड हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो यही तो बात है, इसमें आपका क्राइम जो है, करप्शन जो है वो इस लेवल के ऊपर जो बात आप कर रहे हैं ये भी आइडेंटिफाई होगा, मगर मेनली जो ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जब उनकी शनाख्त होगी तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ब्लेम गेम जो स्टार्ट होता है कि ये फलाने किया फलाने किया फलाने किया, ये भी स्टॉप होगा जब इन लोगों की फुटेजेस मौजूद होंगी, इनकी तस्वीरें मौजूद होंगी, इनकी सारी हमारे पास होंगी, तो ये हम इनको आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टिगेट करने में, एप्रीहेंड करने में, ये सब हमें इसमें आसानी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर कि आपने जो पुलिस की जो पुलिसिंग है तो मॉडर्न लाइन्स पर लेकर आना होगा और फिर जाके आपके सामने रिजल्ट आएगा। आप नफरी के साथ जो कि इतनी ओवरबर्डन है और जिस तरह के चैलेंजेस हैं, जो पहले जो मैं समझ 4-5 साल पहले जो बात थी वो एक डिफरेंट किस्म का क्राइम जो था, वे क्राइम वेव होते हैं, स्ट्रीट क्राइम है, गाड़ियों की चोरी है, मोटरसाइकिल, मतलब वो शराफत लगती है इसके सामने, वो जैसे आपने खुद कहा ब्रेक ले, वो शराफत लगती है। जी बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे सर, आप लोग देख रहे हैं सियासत बनाए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये पुलिसिंग के हवाले से, कैमरा यूसेज के हवाले से शरफुद्दीन मेमन साहब ने बात की है, उसके हवाले से बात करेंगे, फौज के आना या फौज का जाना या फौज का आना बेहतर है टेम्परेरली शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए, उसके हवाले से बात करेंगे, और फिर ये पुलिस के अंदर पोलिटिकल विल की भी शायद अगर ज़रूरत हो, क्योंकि पुलिस भी आखिरकार एक सियासी एम्प्लॉयर है, हमारे सियासतदान जो हैं वो अगर नौकरियाँ नहीं दे सकते तो वोट कैसे लेंगे। आप देख रहे हैं सियासत बनाए, बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।